हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद है आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर उत्तर प्रदेश के अंदर हमला हुआ था, आप सबको याद होगा। और हापुड़ के टोल प्लाजा के पास जो है हमला हुआ था 3 फरवरी 2022 के अंदर, जब उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा था और उत्तर प्रदेश में ही जो है एक सभा करके रैली करके वापस जा रहे थे दिल्ली, और हापुड़ टोल प्लाजा के पास जो है उन पर हमला हुआ था। अब मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने हमला किया था उन लोगों को जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी। अब इसी के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी जो है वो सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। जस्टिस MR Sheikh की बेंच शुरुआत को यानी कि आज के दिन जो है वो सुनवाई भी करेगी। हम आपको बता दें कि बाल बाल बचे थे उत्तर प्रदेश के अंदर असदुद्दीन ओवैसी साहब, बहुत ही क्लोज से बहुत ही पास से जो है इनके ऊपर गोली से हमला किया गया था। उसके बाद जो है उनको तुरंत गिरफ्तार भी कर लिया था पुलिस ने, जबकि एक आरोपी जो थे उन्होंने खुद सरेंडर किया था, लेकिन जमानत जो है उन दोनों को ही मिल गया है। असदुद्दीन ओवैसी साहब को हमले के बाद जेड प्लस सिक्योरिटी देने की भी बात हुई थी, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो है साफ मना कर दिया था। उन्होंने संसद में कहा था कि मुझे जेड प्लस सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मैं मौत से नहीं डरता, हम सभी को एक दिन दुनिया से जाना है, मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए, देश का गरीब सुरक्षित होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमला हुआ था असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हमले के बाद यही कहा था। लेकिन कुल मिलाकर यही है दोस्तों कि चीज़ें जो है बहुत अलग तरीके से पेश किया गया, हमलावरों को जो है वो जमानत दे दी गई, ये थोड़ा सा समझ से परे है। अब खुद असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हैं, अभी देखने वाला दिलचस्प होगा कि क्या फैसला होता है, क्या डिसीजन होता है, और असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद के केस कैसे लड़ेंगे, किस तरीके से चीज़ें होती है। जैसे ही कुछ पता चलेगा हम आप तक ज़रूर शेयर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर यही कहूँगा कि जमानत रद्द बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, हो सकता है कि उस गोली से असदुद्दीन ओवैसी साहब की मौत भी हो सकती थी जितने पास से गोली चलाई गई थी। लेकिन खैर, कुल मिलाकर क्या है इसके पीछे की चीज़ें, बहुत जल्द जो है पर्दाफाश होने वाली है। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। शुक्रिया, जय लव यू।